हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शोरूम्स वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले न्यूज अपडेट्स के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं। एक मीडियाटेक कंपनी है जिसने चिप लॉन्च की है, हेलियो M70। ये पहली ऐसी चिप है जो 5G कनेक्शन से अनेबल है। ये चिप हमें 2019 के एंड तक अवेलेबल होगी कमर्शली। ये चिप जो है ये पहली ऐसी चिप है जो 5 GB/s कनेक्शन से रन होगी। ये चिप जो है इस टाइम एक चिप है स्नैपड्रैगन X50 उसको कम्पीट करेगी। ये चिप की जो कंपनी है मीडियाटेक, ये नॉर्मली लो बजट एंड मीडियम बजट स्मार्टफोन्स पे वर्क करती है। इसने इनिशियली अभी काम शुरू कर दिया है नोकिया, हवाई और कुछ और कंपनी के साथ टाइप करने का, ताकि ये इस चिप को लॉन्च कर सके। इसके बाद हम बात करते हैं, सोनी अपना एक नया फोन ला रहा था एक्सपीरिया XZ3, जिसकी स्पेसिफिकेशंस अभी कुछ दिनों पहले ही लीक हो गई हैं। जो स्पेसिफिकेशंस लीक हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ये फोन हमें मिलेगा 5.7 इंच की स्क्रीन के साथ, जिसकी डिस्प्ले होगी 12160x1080 डिस्प्ले की। इसका जो प्रोसेसर होगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 होगा। इसकी जो रैम होगी वो हमें 6 GB मिलेगी। हमें दो मॉडल मिलेंगे, एक में जो रोम होगी वो 64 GB होगी और एक में रोम होगी 128 GB। दोनों में रैम सेम रहेगी। इसके बाद हम इसके कैमरे की अगर बात करते हैं तो इसका जो फ्रंट कैमरा होगा वो 13 MP होगा एंड हमें ये ड्यूल रेयर कैमरा के साथ मिलेगी जो 19+12 MP का होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें मिल रहा है लेटेस्ट एंड्रॉयड ओरियो 8.1 एंड बैटरी बैकअप जो है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस वो ये है कि 3240 mAh बैटरी मिल रही है हमें इसकी। साथ में ही ये क्विक चार्जिंग अनेबल फोन है 3.1 चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ, बट अभी तक कंपनी ने इसकी कोई भी स्पेसिफिकेशंस को क्लासिफाई नहीं किया है, कंफर्म नहीं किया है कि स्पेसिफिकेशन सही है या गलत है। आप लोगों को पता होगा यहाँ मोस्टली लोग फीफा के फैन है, तो फीफा 19 इस साल लॉन्च होने वाली है, अराउंड डेट है इसकी September 23। तो जो कवर स्टार है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो पुतकाल से एंड रियल मैड्रिड से खेलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही गेम के ऑफिशियल यूट्यूब एंड ट्विटर हैंडल पे इसका एक पोस्टर लॉन्च हुआ था फीफा 19 का, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियल मैड्रिड की क्लब किट में थे। अभी कुछ टाइम पहले E3 कन्वेंशन हुई थी जिसमें EA स्पोर्ट्स ने ये कंफर्म किया था कि इस बार फीफा 19 में UEFA चैंपियन लीग भी होगी। तो कुछ टाइम पहले ही फीफा 19 के लिए EA स्टूडियो ने UEFA चैंपियन लीग से राइट्स लिए हैं गेम में उसे यूज करने के। तो EA स्पोर्ट्स ने ये हमें कंफर्म कर दिया है कि इस बार स्टैंडर्ड टूर्नामेंट्स के अलावा करियर मोड, द जर्नी एंड फीफा 19 स्टार टीम के जो है उसके अंदर भी UEFA चैंपियन लीग भी शामिल होगा तीनों मोड्स में। अब हम बात करते हैं जियोमी की रेडमी सीरीज। आपको पता है इस टाइम ट्रेंडिंग में है, ये लोग अपना एक नया मॉडल ला रहे थे रेडमी 6 जिसकी हैंड ऑन इमेज लीक हो गई है। हैंड ऑन इमेज में ये देखने को हमें मिल रहा है इस टाइम कि जो इसकी डिस्प्ले है वो नेटवर्च है, जिसमें हमें ब्लैक बैरल्स मिलेंगे रोज गोल्ड वेंटेंस पे एंड हमें वाइट बैरल्स मिलेंगे नॉर्मल गोल्ड वेरियंट्स पे। एंड इसकी जो कैमरा स्पेसिफिकेशन में इमेज से पता चल रही हुई है कि ये ड्यूल कैमरे में आ रहा है एंड इसका जो डिजाइन है वो सेम इनके रेडमी नोट 5 प्रो सीरीज की तरह है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। हम ऐसे ही और नई नई टेक अपडेट्स लाते रहेंगे, न्यूज अपडेट्स लाते रहेंगे थोड़े टाइम में। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा नए न्यूज अपडेट्स के लिए एंड आप मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। इस वीडियो को अगर आप पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।